जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का ये वीडियो है मकर राशि के लिए सितंबर 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे उनके राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह के बारे में। तो शनि आपके 11वें स्थान के अंदर चल रहे हैं जो आपके लिए शुभ हैं। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो 17 सितंबर 2017 तक सिंह राशि में है, यानी कि आपकी राशि से अष्टम स्थान के अंदर है। मंगल भी यहां पर 8वें स्थान में चल रहे हैं, बुध भी 8वें स्थान में चल रहे हैं। तो 8वें स्थान में ये ग्रहों का जो जमावड़ा है वो आपके लिए शुभ नहीं है। 17 सितंबर 2017 तक का समय आपको एकदम शांति से पास करना होगा। खास करके फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में आपको विशेष केयर करना होगा। 17 सितंबर 2017 के बाद जो सूर्य चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो ये लिए आपके लिए थोड़े शुभ बनेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान के अंदर सूर्य और मंगल का जो भ्रमण था वो आपके लिए शुभ नहीं था। शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर है, और शुक्र का जो ये भ्रमण है 15 सितंबर 2017 तक सप्तम स्थान के अंदर है, जो आपको लव मैटर में सक्सेस देने वाला है। उसके बाद शुक्र चलेंगे अष्टम स्थान के अंदर, तो ये भी आपके लिए शुभ है, लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। बुध का भ्रमण 26 सितंबर 2017 तक अष्टम स्थान के अंदर है, जो आपके लिए शुभ नहीं है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, वाणी में संयम बरते, खास करके कुटुंब के अंदर आंखों का भी विशेष केयर करें। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे गुरु ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो गुरु ग्रह जो है वो आपके भाग्य स्थान के अंदर चल रहे हैं और 12 सितंबर 2017 को गुरु महाराज राशि परिवर्तन करते हैं और चलेंगे आपके 10वें स्थान के अंदर। तो 10वें स्थान में कर्म स्थान में गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए करियर के लिए शुभ नहीं होगा। खास करके बिजनेस एवं कारोबार के अंदर आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है, क्योंकि गुरु को केंद्राधिपति का दोष लगता है। और कर्म स्थान और वैसे भी गुरु के लिए ऐसा कहते हैं कि भावति भाव दोष कारकम, इस सिद्धांत के अनुसार गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल को नष्ट करते हैं। तो गुरु के 10वें स्थान के अंदर चलते हुए खास करके आपको, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ, यदि बिजनेस कर रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। और रिलेशनशिप के अंदर आपको केयर करना होगा माता एवं पिता के साथ, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ। हालांकि गुरु का जो शुभत्व है वो इस प्रकार है, गुरु आपके 10वें स्थान में बैठकर दृष्टि करेंगे धन स्थान के अंदर, जो आपकी कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य हो सकते हैं, नया मकान वाहन ले सकते हैं, स्थावर संपत्ति में वृद्धि करने वाले बनेंगे। और ये गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ती है 6वें स्थान के अंदर, जिसके चलते हुए आपको मामा और मौसी से या तो एब्रॉड रिलेशन या एब्रॉड कनेक्शन से भी लाभ मिल सकता है। ये गुरु आपको रोग एवं शत्रु पर भी विजय देने वाले बनेंगे। तो गुरु का भ्रमण आपके लिए शुभ रहने वाला है, खास करके कैरियर को छोड़कर। कौन कौन से डेट्स आपको केयर कर रहा है इस मंथ के अंदर सितंबर में, वो इस प्रकार है 1 और 2, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे धनु राशि में। तो धनु के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। डेट्स आपको ऑल्सो टेक केयर करना है 18 और 19, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे सिंह राशि में। तो सिंह के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में भी आपको पानी से सावधान रहना होगा, व्हीकल में केयर करना होगा और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करना होगा। यदि आपके कोई मित्र हैं मकर राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। गूगल प्लस व्हाट्सएप फेसबुक इत्यादि माध्यम से ये वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।